न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार के राजनीतिक एक कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। सोमवार को उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का जमावड़ा दिखा। यहां तक कि राजनीति के धुरंधर और बड़े से बड़े नेता भी अंतिम विदाई देने के लिए वैशाली पहुंचे। तेजस्वी यादव ने भी वैशाली जाकर रघुवंश प्रसाद सिंह को अंतिम विदाई दी, लेकिन इन सबके बीच तेज प्रताप यादव आउट दिखे। जहां तेज प्रताप यादव घर में ही अपने अभिभावक को यानी कि रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी, लेकिन वो वैशाली जाकर उन्हें अंतिम विदाई ना दे सके। अब सवाल ये है कि आखिर तेज प्रताप यादव वैशाली क्यों नहीं गए? रघुवंश प्रसाद सिंह को अपना अभिभावक मानने वाले तेज प्रताप यादव को किस बात का डर है? उन्हें क्या डर सता रहा है? क्योंकि इससे पहले उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक लोटा पानी भर है। ऐसे में क्या सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव को उस बयान से डर लग रहा था कि कहीं लोग वहां पर जाएंगे तो आक्रोशित ना हो जाए, उन पर हल्ला बोल ला कर दे, या फिर तेज प्रताप यादव को कोई और डर? जानते हैं। अब बिहार के राजनीतिक दलों ने ये सवाल उठाया है कि तेजस्वी अंतिम विदाई में शामिल हुए तो तेज प्रताप यादव क्यों नहीं। इसके बाद तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर मीडिया में वायरल होने लगी। इस तस्वीर में वो अपने आवास परिसर में पेड़ के नीचे रघुवंश प्रसाद सिंह की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तेज प्रताप यादव उन पर लगाए जा रहे आरोपों से डरे हुए हैं। वो बेहद दुखी भी हैं। एक लोटा पानी वाला बयान ने उन्हें अलग थलग कर दिया है। दरअसल पटना से वैशाली तक रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थकों का हुजूम देख तेज प्रताप यादव डर गए कि समर्थक उनके एक लोटा पानी वाले बयान पर उन्हें घेर ना लें। हालांकि एक लोटा पानी वाला बयान देकर वे तुरंत पलट भी गए। उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को चाचा और अभिभावक संबोधित किया, लेकिन बात तो निकल चुकी थी। अब उसके मैनेज करने की कोशिश तेज प्रताप यादव ने की, लेकिन सियासत में हर बात पर राजनीति होती है। ये बात शायद तेज प्रताप यादव भूल गए थे, लिहाजा एक बयान ने तेज प्रताप यादव को अलग थलग कर दिया। हालांकि तेज प्रताप यादव घर से निकलकर रघुवंश बाबू की अंतिम यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुए, इसका जवाब तो खुद तेज प्रताप यादव ही दे सकते। जब से रघुवंश बाबू को लेकर तेज प्रताप यादव ने ये टिप्पणी की थी, उसके बाद से ही तेज प्रताप यादव विवादों में घिरे। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने भी उन्हें तलब कर दिया और रांची उन्हें बुला लिया। रांची में वो लालू प्रसाद यादव से मिलने भी गए थे और वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि इस मुद्दे पर बात हुई थी। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव की क्लास भी लगाई थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव के कहने पर तेज प्रताप यादव ने अपने बयान को बदल दिया था। एक तरफ जहां उन्होंने ये कहा कि आरजेडी समंदर है और रघुवंश बाबू एक लोटा पानी, यानी कि अपमानजनक शब्दों का प्रयोग तेज प्रताप यादव ने किया और ये बिल्कुल शर्मनाक था। लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव की क्लास लगाई, तब तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो मेरे चाचा हैं, चाचा जी को मनाने जा रहा। तो जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के बयान में बदलाव दिखा, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव पर दबाव बनाया था और ये कहा था कि ऐसे शब्द रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए यूज ना करें, इस्तेमाल ना करें। और अब जब रघुवंश बाबू को अंतिम विदाई देने के लिए राजनीति के बड़े बड़े कद्दावर नेता वहां पहुंचे, तेज प्रताप यादव पूरे फ्रेम से आउट दिखे, तो अब सवाल है कि आखिर तेज प्रताप यादव क्यों डरे हुए थे? देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव का रिएक्शन क्या आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।